हैं दोस्तों, मैं विनोद वर्मा, नेशनल मेडलिस्ट। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको हाई जंप के बारे में। दोस्तों हाई जंप की मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिसके पास टाइम कम है आप ये फॉलो कर सकते हो। जिसके पास 30 दिन है या 25 दिन है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। दोस्तों हवा चल रहा होगा थोड़ा, आप उससे डिस्टर्ब मत होना और आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अगर आप मेरी बात को समझ जाओगे तो मेरा मानना है कि आप हाई जंप एक महीने में क्लियर कर दोगे, जितना आपका फिजिकल में मांगता है। तो आप समझने की कोशिश करो क्या क्या कह रहा हूं मैं। आप ये नहीं कि वीडियो स्किप करके आगे देख रहे हो तो भाई 10 वीडियो देखते रहोगे जिंदगी भर और नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों मैं खुद स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल जैसा आप सर्टिफिकेट देख सकते हो, 6 फीट के आसपास मैंने भी जंप कर रखी है। इस हिसाब से दोस्तों मैं आपकी हाई जंप में थोड़ी सी टिप्स दूंगा जो कि आपका हाई जंप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको 10 मिनट अच्छे से जॉग करके, ABC ड्रिल्स करके, फिर उसके बाद अच्छे से वार्म अप हो गया, आपको करना है होपिंग। होपिंग कैसे कहते हैं, सिंगल लेग को कहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा साइड में, वैसे ही करना है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है इसमें, आप जैसे सिंगल लेग करते हो, ध्यान से देखना, जैसे कि सिंगल लेग करते हो, सिंगल लेग में आपको ऊपर जाना है, ये सिंगल लेग में आपका लेग ऊपर होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। जो लॉन्ग जंप होते हैं वो आगे की तरफ करते हैं सिंगल लेग, जैसे कि ये आगे करते हैं। लेकिन हाई जंप वाले को क्या करना है, ऊपर जाना है, जैसे कि ये। तो ऐसे ही आपको हाई जंप के लिए करना है ये। आपको 10 जंप करने हैं, 3 सेट दोनों लेग से करने हैं। ये नहीं कि आप हाई जंप इससे कूदते हो तो इससे कूदते हो तो इससे ना करो, दोनों लेग से करने हैं। और राइट और लेफ्ट किस लेग से करना है पहले आप ये समझ लो। तो जिसमें आपका पावर ज्यादा है आपको उसी लेग से करना है, जो आपको कहता है बंदा नहीं भाई राइट से करना है, नहीं भाई लेफ्ट से करना है, भाई उसे घंटा नॉलेज है, उसकी बात मत सुनो। दोस्तों मैं खुद एक नेशनल लेवल का हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ये करनी है हाई जंप से पहले, समझ लो दोस्तों, 3 सेट करना है, 10 जंप करना है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर जाना है आपको, इसमें बस ऊपर जाना है ताकि आपके लेग में पावर होगा, जब खुद ही आपका हाई जंप निकल जाएगा। हाई जंप के पिट पे अभी नहीं जाना, समझ लो, हाई जंप के पिट के आसपास करना है, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन रोड पे जंप मत करना और जूते पहन के चीज ये करना। हाई जंप बेसक आप करते हो तो आपको कंफर्टेबल लगता है कि लंगे पाँव, तो मैं तो कहूँगा आप लंगे पाँव अपने जो भर्ती में होता वहाँ पे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपके इंजरी भी हो सकता है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरी चीज़ में दोस्तों आपको करना है स्क्वैट जंप। स्क्वैट जंप में क्या करना है, हल्का बैठ के आपको ये करना है दोस्तों। आपको दोस्तों स्टार्टिंग में आपको थकावट ज़्यादा होगी, लेकिन ये चीज़ करना है। ये 5 करने आपको जंप, 1 2 3 4 5 ऐसे करने हैं, इसके भी 3 सेट करने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही करना, लेकिन इसमें नी नहीं फोल्ड होना चाहिए, टच होते उठना, जैसे कि देखो दोस्तों ये चीज़ दोस्तों, टच होते ही ऊपर उठना है। दोस्तों ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, छत के ऊपर बना रहा हूँ अपना, ताकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मुझे हाई जंप का पिट नहीं मिला, नहीं तो मैं हाई जंप की वीडियो पिट पे ही बनाने वाला था। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ रहे ना दोस्तों, आप 10 वीडियो प्लीज़ देखो और उनकी बात समझो, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोस्तों अगर आप मेरी बात नहीं समझ सकते तो किसी की बात समझोगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह मैं बताने वाला हूँ आपको किसी ने अभी तक फिजिकल से रिलेटेड हाई जंप के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि 50 वीडियो देख रखी है मैंने भी, ठीक है। यही बोलते हैं 4 फीट लगा दिया हाई जंप का, बस कूदते गए। अरे भाई ऐसे नहीं होता हाई जंप, बस थोड़ा सा टेक्निक यूज करोगे ना एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 फीट नहीं होता, 5 फीट नहीं होता, हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ किस तरह, समझो पहले। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये वीक में 3 दिन करनी है आपको, ठीक है, एक दिन छोड़ के अगर हाई जंप ज़्यादा वीक है तो। ये नहीं कि रोज रोज करने लगे, इंजरी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, पैर भर जाएंगे, तो ये चीज़ 3 दिन करनी है, ये समझ गए। तो अब क्या करना है, आप जाना है हाई जंप के पिट पे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निक की। टेक्निक आप कोई सा भी करो, लेकिन आपको जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप फॉलो कर लो। चाहे टेक्निक आप ये चीज़ वाला कर लो, चाहे बैली जंप वाला कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, वो आपके निर्भर है, ठीक है। जब लेग में पावर होगा ना आपका, खुद ही ऑटोमेटिक उठ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हाई जंप के पिट पे जाना है। हाई जंप के पिट पे क्या करना है दोस्तों, तो हाई जंप की बार आपने लगा ली, सीधा 4 फीट पे नहीं जाना आपको, क्या करना है, अगर आपसे 4 फीट नहीं होता थोड़ा नीचे रख के कर लो यार, थोड़ा नीचे रख के करो। मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपकी कैपेसिटी हो जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं हाई जंप कर सकता हूँ। आप टेक्निक सीख जाओगे कैसे करना है मेरे को, कैसे हाई जंप जाना है, कैसे पैर जाना है, आपको पैर में पावर ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तो आपको सीधा डायरेक्ट जितना फिजिकल में मांगा डायरेक्ट नहीं करना। अगर आपका मान के चलो
चार फीट मांगा है तो 3.8 से स्टार्ट कर दो, 3.8 से 6 जंप करी, फिर अगर वो क्लियर हो गई तो ऊपर बढ़ा लिया, फिर वो भी क्लियर होगी फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा लिया, ऐसे करते करते खुद ही ऑटोमेटिक 4 फीट क्या 5 फीट भी होने लग जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद स्टेट लेवल का हूँ, मैंने हाई जंप की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, बट मैं आपको बस एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो कि आप ये चीज़ करते ही ना आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा हाई जंप। दोस्तों आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई मैं नहीं समझा। ये उसके लिए वीडियो बनाया जिसका टाइम कम है, फिजिकल का करीब 30 दिन है तो उसके ये कर सकता है। अगर प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों आप ये चीज़ फॉलो करो, समझो अच्छे से मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। 4 फीट मांगा है तो अगर आपसे 4 फीट डायरेक्ट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हाई जंप सीधा बार उतने पे 4 फीट पे लगा के नहीं करना। अगर आपसे 4 फीट नहीं हो रहा तो नीचे लगा के करो यार, जब नीचे लगा के करोगे ऑटोमेटिक आपका जंप का ये उठना सीख जाओगे, धीरे धीरे भागोगे फिर उठना सीख जाओगे। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, खुद ही आपके लेग में उतनी पावर आ जाएगी ऑटोमेटिक, 4.5 फीट भी उठ जाओगे आप। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप लेकिन समझ नहीं रहे। दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ दोस्तों, सीधा आपका अगर फिजिकल में 4 फीट मांगा है तो 4 फीट डायरेक्ट नहीं करना। मुझे मालूम है आपको सीधा फिजिकल में 4 फीट कूदवाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर एक महीने प्रैक्टिस हो तो आपको धीरे धीरे, आज 3.5 पे लगा लिया, कल 3.9 पे लगा लिया, ऐसे करते करते कम से कम आपको सिर्फ 12-15 जम करने हैं बस, इससे ज्यादा जम नहीं करना। ये नहीं कि लग गए और 50-50 जम कर रहे हो, ऐसे कोई फायदा नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, इंजरी और आ जाएगी। बट जो मैंने बताया उस चीज को फॉलो कर लो, आपका यकीन मानो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं कि एक दिन में क्लियर हो जाएगा, मैं आपको साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने वीडियो में झूठ नहीं बोलता, आप मेरी सारी वीडियो चेक कर सकते हो, किसी वीडियो में मैं गलत नॉलेज नहीं था, एक दिन में क्लियर नहीं होगा। हाँ थोड़ा ट्रिक अगर सीख जाते हो तो इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा, ये मैं मानता हूँ। तो यही चीज़ है दोस्तों, वीडियो को आप फॉलो करो अच्छे से और समझो मैंने क्या बोला है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो मैंने अच्छी बनाई तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कॉमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना और मेरी वीडियो से जा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।